बीआरडी मेडिकल कॉलेज के उत्तरी गेट की तरफ का रास्ता खोले जाने की मांग को लेकर शनिवार को स्थानीय नागरिकों ने कांग्रेसी नेता राणा राहुल सिंह के नेतृत्व में मेडिकल कॉलेज से पैदल मार्च निकालकर जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष धरना प्रदर्शन किया और अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा, जिसके संबंध में प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे कांग्रेसी नेता राणा राहुल सिंह ने कहा कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज प्रशासन के हठधर्मी रवैये के कारण लगभग 50,000 लोगों का आवागमन बाधित हो रहा है, जिसको देखते हुए जनहित में मेडिकल कॉलेज का उत्तरी गेट खोला जाना चाहिए। इसके संबंध में उन्होंने सिटी मजिस्ट्रेट से वार्ता कर उस मार्ग को खोले जाने की मांग की। राणा राहुल सिंह ने बताया कि जिला प्रशासन की तरफ से 4 दिनों के भीतर गेट खोले जाने का आश्वासन मिला है। अगर इसके बाद भी उस रास्ते को नहीं खोला गया तो जिलाधिकारी कार्यालय पर क्रमिक आंदोलन किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए कांग्रेसी नेता राणा राहुल सिंह ने कहा, नहीं था तब से ये रोड संचालित है। हम उसी मांग को कर रहे हैं जो पहले से था और जो उनके यहाँ प्रशासनिक स्तर द्वारा आश्वासन दिया गया था वही मांग है, कोई अलग मांग नहीं है। उनके द्वारा जो आश्वासन दिया गया था वही मांग है। रोड को माना जा रहा था कि 10 तारीख तक का मैं जब गया था तो वो पहले गया था। आप नहीं गए थे, कोई और गए थे। जो गए थे जिम महोदय गए थे, उन्होंने कहा था कि 10 तारीख तक ये रोड संचालित है। ऐसा कोई नहीं कर सकता। मेरी बात करें जिसने कहा मेरी बात करा मेरे पास, क्योंकि ये प्रकरण जो है अगर बीआरडी मेट्रोवर्स के पीछे जो गांव है एक दीवाल का है तो मैटर मैं जानता हूँ, ठीक है। इसमें कोई ऐसा कह ही नहीं सकता है, क्योंकि वो दीवाल जो थी जब वो बनी थी तो मैं ही घुमाया था, मैं ही गया था वहाँ पे। आज से 1.5 साल पहले की बात है, कोरोना का समय शुरू हो रहा था, मार्च अप्रैल की बात होगी, मैक्सिमम मार्च अप्रैल मई की बात होगी। सर अभी ये त्वरित अभी एक सप्ताह पहले गए, मैं बता दूँ पहले क्या कहा था कि आप 10 तारीख तक, योगी जी जिस दिन आए थे मुख्यमंत्री साहब उन्होंने कहा था, हम ही वहाँ थे, उन्होंने कहा था कि 10 तारीख तक वेट करिए, 11 या 12 में जब मैंने पीएम यहाँ से वापस जा रहे हैं उसके बाद मैं इसको खुलवाने का प्रयास करूँगा। किसने कहा बताइए, नाम बताइए नहीं, वीडियो तो उन्होंने मना किया, इन रिटर्न मांगा गया, उन्होंने कहा कि नहीं इन रिटर्न सर। मेडिकल कॉलेज से बड़ा सुरक्षा एजेंसी है, एयरपोर्ट और फर्टिलाइजर, अब जाके देखिए अभी इससे रास्ता जा रहा है, अब नहीं जाते एयरफोर्स भी पूरा जानता हूँ और फर्टिलाइजर पूरा जानता हूँ सर। अभी तो वहीं रहा था, ठीक है। ये आर्मी वाले हैं, कहाँ गए हमारे बीच से गया है एयरफोर्स कैंपस के अंदर से, अगर मैं बता दें लखनऊ कैंट से जाती है, लखनऊ कैंट से जाता है, लखनऊ में 3 साल रहिए वही है मैं खुद था, मैं बता दे रहा हूँ। लोगों ने क्या मदद, ईटा पत्थर चलाया था वहाँ पे, एसी लगानी पड़ी थी हम लोग को, दांत बैठ कर दीवार बनवानी पड़ी थी, ये मदद थी लोगों की, जो आप लोगों मदद की बात कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरी बात, जो वैकल्पिक रास्ता था मैंने खुद जाकर वैकल्पिक रास्ता देखे हैं, लीजिए ना, और कौन सा गलत है, मैंने एक ये नहीं कहा वही है। और दूसरी चीज मैं बता रहा हूँ, विशेष परिस्थिति विद्यमान है पहली बात, और दूसरी बात जमीन जिसकी है, अगर आप इसका अभिलेख निकाली जमीन की, मैंने अभिलेख निकलवा लिए पूरे जमीन के, वो जमीन जिसकी अगर वो मेडिकल कॉलेज की जमीन है उसके नाम है तो उसका पूरा हक बनता है, वो अपनी बाउंड्री को सिक्योर करेगा, ठीक है। 50 केस होते हैं मेडिकल कॉलेज में, कोई केस होता है आप जिम्मेदारी लेंगे, अगर कोई कह दे वो पीछे से कोई आके कुछ कर दिया तो आप जिम्मेदारी लेंगे। अभी तो एक मेन गेट है, जो फ्रंट में गेट्स हैं वही गेट हैं, वहाँ पर सुरक्षा लगा सकते हैं। कैसे ये कैसे साल के अंदर ही इतनी मत थी, 48 साल वो जो रोड चला उसका कोई वो नहीं, 48 साल मेडिकल कॉलेज का कोई जिम्मेदारी नहीं था क्या? किस चीज़ में रोड आज की तो नहीं ना है वो, वो तो 50 जब मेडिकल कॉलेज ऐसे तो कोई भी रोड चलती रहेगी, हर जगह कोई ना कोई रोड चलती होगी, पूरे गोरखपुर में हर जगह कहीं ना कहीं से रास्ता बनता ही होगा, कोई वहाँ नया इंस्टीट्यूशन क्या बने कोई पूछना होगा, क्योंकि रास्ता बनी होगी बनी होगी ना, अब उसके बाद क्या कम से कम इतना तो रास्ता रास्ता नहीं ये एक सड़क मार्ग की उस इशू पे था, ये एक रोड है
जब मेडिकल कॉलेज अपने अस्तित्व में नहीं था तब 50 साल पूर्व यह रोड संचालित थी। इस रोड की महत्ता को देखते हुए 20 वर्ष पूर्व तत्कालीन सांसद स्वर्गीय अवैधनाथ जी, तत्कालीन विधायक स्वर्गीय ओम प्रकाश पासवान जी एवं तत्कालीन जिलाधिकारी ओम प्रकाश जी के रहते हुए उनके देखरेख में यह रोड सौंदर्यीकरण 20 वर्ष पहले सांसद निधि से, अवैधनाथ जी के सांसद निधि 1,05,000 रुपये निधि से इस रोड का सौंदर्यीकरण हुआ। उस रोड की महत्ता 20 वर्ष पूर्व कितनी थी इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तीनों महत्वपूर्ण लोगों के वहाँ रहते हुए उस रोड का सौंदर्यीकरण हुआ, शिलान्यास हुआ और रोड संचालित रही। 1.5 वर्ष पूर्व जब कोरोना एक महामारी पूरे विश्व में आई तो वहाँ एक वॉर रूम मेडिकल कॉलेज में बनाया गया था और जो 50,000 लोग उस रोड से सीधे सीधे प्रभावित होते हैं उन लोगों को आपने गुड फेथ में लेके उनसे वार्ता करके ये कहा गया कि ये कोरोना उधर विस्तार न करे, इसलिए ये एक टेम्प्रोरी रोड बनाई जा रही है और लोगों ने सहयोग किया। वो चाहते थे कि कोरोना विस्तार न करे, ये एक महामारी है, लोगों के जन सहयोग से वो टेम्प्रोरी रोड बना। आज जब वो कोरोना काल नहीं है, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज बीआरडी का क्या व्यक्तिगत इंटरेस्ट है, क्या ईगो हर्ट कर रहा है कि उसको वो प्रशासन के साथ में वो रोड नहीं खोलने दे रहा है। आज 50,000 लोग जो सीधे प्रभावित है, 8 किलोमीटर घूम के जो रोड नहीं है, शाम को 5 बजे के बाद परिवार का कोई भी व्यक्ति अकेले आ जा नहीं सकता है। हम लोगों की स्पष्ट मांग है, हमारा कहीं ये उद्देश्य नहीं उपद्रव का है, हमारा स्पष्ट एक है कि हमको 50,000 लोगों को देखते हुए वो उस रोड को संचालित किया जाए। हमारा मेडिकल कॉलेज एक सेंसिटिव जगह, हम भी जानते हैं और सब लोग जानते हैं, उसमें हमारे वजह से, हमारे आवागमन से कोई कार्य बाधित नहीं होना है। आपको बता दें, जब विशेष परिस्थिति में मेन रोड जब जाम हो जाता है तो जो मेडिकल कॉलेज का जो एम्बुलेंस है उस रोड को संचालित, जो जिस रोड की बात हम कर रहे हैं जो बंद कर दिया गया है, उस रोड से उस विशेष परिस्थिति में मेडिकल कॉलेज की एम्बुलेंस वहां से जाती है। इससे महत्व लगा सकते हैं कि वो कितनी महत्वपूर्ण रोड है। एक व्यक्ति बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और प्रशासन का क्या मनसा है समझ में नहीं आता है कि 50,000 लोगों को आप क्यों इस तरह से गड्ढे में ढकेलना चाहते हैं। एक भी व्यक्ति अगर किसी की तबीयत खराब हो जाए, ईश्वर न करे, तो वो दवाई के अभाव में मर जाएगा। अगर 2-3 घंटा लग जाएगा उसको शहर में पहुंचने में, शहर में रहने के बावजूद मेडिकल कॉलेज के रहने के बगल के रहने के बावजूद अगर दवाई के अभाव में कोई मरता है तो इससे दुर्भाग्य की परिकल्पना आप कर सकते हैं कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। वार्ता हुई है एडीएम साहब से, हम लोगों ने कहा है, सिटी मजिस्ट्रेट उच्च अधिकारी को उन्होंने वार्ता किया है, उन्होंने कहा है कि हमको 3-4 दिन का और समय दे। जैसे पूर्व में वार्ता हुई थी तो उन्होंने कहा था 10 तारीख को हम वार्ता करके आपके पक्ष में एक निर्णय कोशिश करेंगे कि आ जाएगा। आज 11 तारीख था, हम लोग उसी संदर्भ में आए थे। ये अंतिम उनको तिथि दी गई है, अगर 3-4 दिन के अंदर उन्होंने कोई एक निर्णायक फैसला हमको ध्यान में रखते हुए नहीं लिया तो हम लोग गांधीवादी तरीके से इस पूरे जिला अधिकारी कार्यालय में एक जगह नहीं रहेगी एक व्यक्ति खड़ा होने की, पूरी तादाद में हम लोग आएंगे और तब तक नहीं हिलेंगे जब तक हमारे पक्ष में हमको देखते हुए कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा। बहुत बढ़िया।